प्रभु की जय ऑल माय व्यूअर्स, आज मैं एक छोटा सा वचन को शेयर करने जा रही हूँ। मत्थायू चैप्टर 4:4 से उसमें लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से हम जी सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है वो परमेश्वर की आत्मा है। आमीन। जो हमें हमारे शरीर को जीवन देता है, हमारे आत्मा को भी जीवन देता है। आमीन। तो मैं यही कहना चाहती हूँ और सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप लोग मसीह भाई बहन, आप लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे और सीखते रहे और उसको लागू करें अपने जीवन में लेकर चले। बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि परमेश्वर के वचन ही हमें जीवन देता है, और हमारे जो आत्मा के खाना है, रोटी है, वो परमेश्वर के वचन है। जैसे हम अपने शरीर को अच्छा रखते हैं, खाना देते हैं अपने शरीर के तंदुरुस्ती के लिए, तो उसी तरह हमें अपने आत्मा के लिए हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। आमीन। जॉन 1:1 में कहता है कि शुरुआत में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है। और जॉन 1:14 में कहता है कि वचन ही मनुष्य धारण किए और हमारे बीच में आए, तो यीशु मसीह के विषय में कहता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर के वचन है वो प्रभु यीशु मसीह है, और उसके मुख से जो भी कुछ निकला है वो वचन भी वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निकला है। इसीलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर के मुख से जो भी वचन निकला है वो हमें जीवन देता है, क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा हमें जीवन देता है। हमारे शरीर कोई लाभ के नहीं है अगर आत्मा नहीं है, तो हम समझ सकते कि आत्मा में जीवन देता है। और जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के जो आत्मा उसे रिसीव करेंगे अपने अंदर, उसे हम प्राप्त करते, उसे रिसीव करते, और पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है और हमें समझाता, सिखाता है। हमारे जो दिमाग है, दिमाग को रिन्यू करेंगे परमेश्वर के वचन से, और हमारे दिल को बदलेंगे, आत्मा को भी मजबूत करेंगे, और परमेश्वर जो सही और अच्छा, उसे प्रसन्न करने वाला, जो उसका इच्छा है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें रिवील करेंगे और हमें सिखाएंगे, समझाएंगे, ताकि हम लोग भी परमेश्वर के वचन को लेकर चल सके और परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। आमीन। तो परमेश्वर जो वचन है, याद रखना मेरे व्यूअर्स कि वो ही प्रभु यीशु मसीह है, और वो जो उसके मुख से निकला और जो इंसान भी बने, हमारे पापों के लिए आए और अपने लहू को बहाए ताकि हमें क्षमा प्राप्त हो सके, और फिर हम अपने पिता से मेल मिलाप कर सके और उसके साथ में एक हो सके, ठीक है। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य धारण किए थे, वही परमेश्वर के वचन है, और हम अपने अनुग्रह और दया के कारण उसने हमें बाइबल या धर्मशास्त्र को दिए है, ताकि हम उसे पढ़कर और उसे लागू कर सके, उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके, और उसके द्वारा हम जी सके और सीखे कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, और परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, क्या हमें करना चाहिए, और हम कौन है प्रभु में। सभी कुछ जो हमारे क्वेश्चंस है, उसके सभी कुछ के आंसर धर्मशास्त्र में है, ठीक है। तो हम हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़े और उसे लेकर चले पवित्र आत्मा के मदद से। सो मैं आशा करती हूँ कि छोटा सा विजन आप सभी को आशीष देगा आज, और ख्याल रखना कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए और पढ़ते जाए, लेकर चलते जाए, और जहाँ जहाँ भी प्रभु हमें अगुवाई करे और रास्ता खोले, तो हम वहाँ पर परमेश्वर के वचन को प्रचार भी करें। आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय फॉर नाउ।